सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज अपने निंजा अपनी जो ZX8R है उसका फाइनल जो अपने कोटिंग करने के बाद कलर उड़ा देंगे। कोटिंग किया हुआ है, मतलब लाभी पुट्टी भर के किसके उस पर आज जो है कोटिंग उड़ा देंगे। कलर जो है अभी से 3 दिन बाद आएगा, क्योंकि 3 दिन वीडियो अपने अपलोड करेंगे। सो अपनी INS के प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको मजा आएगा, तो दिवाली भी आपकी अच्छी जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और टाइमलेस पूरा देखो, हम लोग उस पर लाभी पुट्टी पूरा चेक करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, 2 घंटे की मेहनत के बाद, 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद अपने जो है सारा पीस को फाइनल कर दिए और एकदम अच्छे से वो बोलते हैं उसको सरफेस को एकदम लेवल कर दिए और पेंट के लिए अभी रेडी हो चुका है। और सबसे हार्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही रहता है, पैनल को घिसना और उस पर लाफी पुट्टी चढ़ाना। बाकी अच्छे से हम लोग ने कर दिया ये चीज़। अभी भाविक सब पैनल को अच्छे से क्लीन कर रहा है ताकि हम लोग कोटिंग करेंगे। एंड अभी हम लोग सेपरेट करेंगे रेड कौन सा करना है एंड ब्लैक कौन सा करना है। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो वाला का पेंट अपने इसमें करने वाले, मतलब वो पूरा जो क्या बोलेंगे उसको थीम अपने करने वाले एंड इसको कम्प्लीटली करना है। अभी आगे का आप सोच रहे हो कि आगे का पोर्शन किधर है, आगे जिस पे हेड पे रखता है वो आपको मैं कल बताऊंगा। बहुत मस्त उसको कट किया अपन ने और बाकी का पीछे का भी प्रोसेस करेंगे एंड बाकी का बताऊँगा कैसा हो रहा है। बाकी ये पूरा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे। सो इतना जो आप पार्ट देख रहे हो वो होगा रेड एंड ये होगा ब्लैक। तो फटाफट दोनों पे कोटिंग मार देते हैं, आप तब तक जो है टाइमलैप्स देखो। यहाँ पे देख सकते हो कि पार्ट्स को हम लोगों ने पेंट कर दिया है। अभी 2 पार्ट्स मिसिंग है। फर्स्टली तो एक ऐसा सेम पार्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि उसको पेंट नहीं कर पाया क्योंकि पेंट खत्म हो गया था। एंड सेकेंडली ये वाला देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है अपना, जो पहले घिस के अच्छे से किया था ना पुट्टी भर के, तो इसको फिर से घिस के फिर से इस पर अस्तर उड़ाना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा इरीटेटिंग लग रहा है मेरे को। अभी इसको सूखने देते, इसको घिसते वापस। एंड अभी थीनर में थीनर यूज़ करा उसके बाद भी ये फट रहा है, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। मेरे को लगा लोकल थीनर के उनसे फट रहा है क्योंकि कोटिंग लोकल थीनर में मारते, बट मैं अभी PU थीनर मार रहा हूँ फिर भी ये फट रहा है। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है इसका। बाकी सारे पैनल आप देखो ऐसा लगेगा कि कलर हो गया, बट ये कलर नहीं कोटिंग है क्योंकि हम लोगों ने इसको PU थीनर में मारा है। इसके वजह से इसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिव टू जो नॉर्मल थीनर की फिनिशिंग रहती है, ठीक है। और NS का भी पार्ट देख रहे हो, पेंट करके रेडी कर दिया है, अभी इस पर लेकर उड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का पेंट करना है अपने को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड है पैनल, ये नीचे का रेड है, अंडरबेली ब्लैक है, साइड पैनल ब्लैक है, टैंक का ऊपर का कवर रेड है एंड पीछे का टेल रेड है जो यहाँ तक अपने पहुँच चुके हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, सीट कवर पे भी रेड करना है। अभी कलर ख़त्म हो गया था, इसके वजह से नहीं किया कोटिंग मार के करना है, तो अपने को ये वाला पोर्शन इसका दोनों ब्लैक करना है, सॉरी रेड करना है एंड बीच का जो है ब्लैक रहेगा। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा एंड यहाँ से देखो कैसा लग रहा है, पूरा सही है ना एकदम। तो ये वाला पोर्शन भी देखो एकदम फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आया। अभी इसके ऊपर डायरेक्ट लेकर मारेंगे ना पेंट करके तो बहुत ज़्यादा सही दिखेगा ये, बट कुछ कुछ जगह है जहाँ पे अपने को लापी चेक फिर से करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एक पोर्शन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग की दिक्कत है, तो अपने इसको फिर से घिस के फिर से सही करेंगे। एंड यहाँ पे देखो एकदम सब कुछ एकदम प्रॉपर है। आपको याद है यहाँ पे टूटा हुआ था, यहाँ पे टूटा हुआ था, ये देखो अभी इतना दिख नहीं रहा है आपको ये, बराबर।
अभी ये थोड़ा बहुत तो थोड़ा हल्का फुल्का उबड़ खाबड़ रहेगा 19, 20, 19, 20 रहेगा थोड़ा ये, क्योंकि क्या है ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट प्लस प्लास्टिक है, तो यहाँ पे पुट्टी ज़्यादा नहीं भर सकते, ज़्यादा पुट्टी भरेंगे तो स्ट्रैच होकर टूट जाएगा। ऑल दो यहाँ पे मैंने पीछे फाइबर ग्लास मारा है ताकि कभी लाइफ टाइम टूटे ना ये, तो उसका कोई दिक्कत नहीं अपने को। नेक्स्ट चीज़ ये वाला साइड वाला जो पैनल है ये पूरा मैट में था, अभी हम लोग इसको पूरा ग्लॉस में किए, अभी इसको घसेंगे, घसने के बाद वापस इस पर कलर उड़ाएंगे, तब इसको एक प्रॉपर जो शेप आनी चाहिए मतलब एकदम ऐसा सरफेस होएगा वैसा सरफेस हो जाएगा। बाकी इसकी भी फिनिशिंग आप चेक कर लो, एकदम ज़्यादा प्रॉपर है, कहीं पे भी आपको एक स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक एक स्क्रैचेस को हम लोगों ने ढका है पुट्टी से। ये वाला पोर्शन रह गया पेंट की वजह से, पेंट ख़त्म हो गया, दिवाली का सीज़न है तो ऑलमोस्ट सब शॉप बंद है पेंट की, और कल देखेंगे अगर मिल गया तो कल इसको पेंट कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आएंगे, उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ, 2-3 वीडियो इसके नहीं आएंगे, बाकी वीडियोस तो प्री शूटेड है ही, वो मैं अपलोड करूँगा, जो एनएस की सीरीज जो मैं सोचा था कि दिवाली में लाऊँगा वो तो आपके लिए लाऊँगा ही मैं, ठीक है। बाकी ये देखो कैसी लुक आ रहा है पूरी बाइक का, एंड जो एनएस की सीरीज़ है जिसका कल से ब्लॉग आने वाला है वहाँ पर रखी हुई है, देखो वो भी अभी रेडी नहीं है, बट आज के दिन हम लोग पूरी रात में बैठ के उसको रेडी कर देंगे, उसमें ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि पेंट तो हम लोग ने कर दिया है इसका, जैसे इसका पेंट किया है इसका भी पेंट कर दिया है, एंड आई नो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, अभी इस पर खाली लेकर मारना है। एंड ये सेम कलर है जो कंपनी का कलर है, मतलब आप जब व्लॉग देखोगे ना आपको मालूम पड़ेगा, एक पैसे का डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट इसका मैच करवा के पेंट हम लोग ने इसका कलर बनवाया है, एंड एकदम एग्जैक्टली सेम, शाइन भी उससे ज़्यादा करेगा, क्योंकि लेकर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पर्सनल बाइक है, अपने भाई की बाइक है, तो उन्होंने बोला है कि बजट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकर अच्छा मारना, क्योंकि जो भी होता है फाइनल कोट लेकर का रहता है, थोड़े सालों बाद लेकर पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा लेकर मारेंगे तो ऑलवेज जो एक बाइक शाइन होती रहेगी। बट जैसा मैंने बताया कि लेकर जितना आप कॉस्टली यूज़ करोगे आपका जो पेंट का बजट है उतना भी कॉस्टली होते जाएगा, ठीक है। बाकी ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक और चीज़, हम लोग ने जो है पैनल बनाया था आप देख लो कितने अच्छी तरीके से मर्ज हो गया, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये अलग सा कोई पार्ट है, ये ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ बना है। अभी इसको यहाँ से इस तरीके से कट करना है ऐसा कुछ, ताकि कि ये जो एक्स्ट्रा इस पर दिख रहा है ना वो ना दिखे, तो ये अभी इसलिए मैंने फिट किया, अभी मार्किंग करूँगा एंड कट कर लूँगा, बट आप खुद देखो आपको ऐसा देख के लगेगा नहीं कि ये कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसा लगेगा कि इसी के साथ पूरा जा रहा है, इसमें नहीं इसमें भी हम लोग ने किया था जो फाइबर ग्लास से बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं करता ना मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब कोई चीज़ अपने कर रहे हैं एंड उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा ख़राब दिखता है, ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती लगाया, बट देख रहे हो कितना ज़्यादा सही हो गया ये। अभी ये फाइनल नहीं है, इस पर भी लापी चेक करेंगे अपने एंड फिर से एक बार पूरा कोट उड़ाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे आपको ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा होगा, तो ये कोटिंग है, कोटिंग के ऊपर मतलब कलर काम ही होता है जो बेस कलर इसको ढकने का, तो कोटिंग बहुत कम थी इसकी वजह से हम लोगों ने इतना काम किया, ठीक है। ब्लैक पोर्शन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सही दिख रहा है, अंडर बेली है, ज़्यादा नहीं है। आगे का जो वी मास्क आएगा वो भी ब्लैक आएगा, और उसकी साइन उसकी जो शाइन रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा सही रहेगी जो यहाँ पे लगने वाला है। एंड ये जो पोर्शन है सारे ग्रीन ग्रीन, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी खोल के रेड आउट कर दूँ, क्योंकि ये या तो रहन देते इसको ग्रीन चलेगा, क्योंकि टैंक में भी ग्रीन है ना, कोई बात नहीं। बाकी टैंक का कलर यही रहेगा, ब्लैक एंड रेड दोनों शाइनी हो जाएंगे एक जितने, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा, क्योंकि टैंक हम लोग रिपेंट नहीं कर रहे, क्योंकि टैंक खोलने का बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, टैंक खोलोगे निकालोगे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा वो आगे जाके भी। एंड मडगार्ड भी देख सकते हो कि सेम वही रहेगा, बाकी पूरी बाइक आप देख सकते हो कैसी दिख रही है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, पीस आउट।